नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक कई लोग एक बार फिर से कोरोना के शिकार हो रहे हैं। बॉलीवुड में भी अब तक कई बड़े एक्टर्स का नाम सामने आ चुका है, जिनमें आमिर खान, आर माधवन से लेकर रणबीर कपूर भी कोरोना वायरस की चपेट में है। इसी बीच कोरोना से बचने के लिए रोशन फैमिली ने नई योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राकेश रोशन अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि राकेश रोशन अपनी पत्नी पिंकी और बेटी सुनैना के साथ मुंबई से दूर लोनावला में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं ऋतिक रोशन मुंबई में ही रह रही हैं। बताया जा रहा है कि लोनावला में राकेश रोशन का एक बड़ा आलीशान घर है, जहां वो इस वक्त अपने परिवार के साथ रह रही हैं। बता दें, राकेश रोशन ने कैंसर से हाल ही में जंग जीती है, लेकिन ऐसे में खुद का ध्यान रखने के लिए उन्होंने मुंबई से दूर रहने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव के लिए हाल ही में राकेश रोशन ने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई है। उन्होंने इसकी तस्वीर पोस्ट कर जानकारी दी थी। राकेश रोशन केवल जरूरी काम के लिए मुंबई आते हैं और फिर से लोनावला लौट जाते हैं। एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए राकेश रोशन ने इस पर हामी भरी है। राकेश रोशन ने कहा, जब तक महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोनावला में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, वो अपने बेटे की मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिश 4 पर काम शुरू करेंगे, जिसे लेकर काफी टाइम से बज बना हुआ है। इस फिल्म के पिछले पार्ट्स दर्शकों को काफी पसंद आए थे और वो अब जल्द से जल्द क्रिश 4 को शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन डबल रोल निभाएंगे, जो कि हीरो और विलन दोनों का रोल होगा। इस फिल्म के अलावा ऋतिक दीपिका के साथ फाइटर नाम की एक एक्शन फिल्म भी कर रही हैं, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रही हैं। इस फिल्म में ऋतिक और दीपिका दोनों ही एक्शन करते नजर आएंगे। ये फिल्म भी अगले साल ही रिलीज होगी। वैसे रोशन परिवार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।